होली से पहले या होली के बाद हमारे यहाँ एक दिन की मेहनत से पूरे साल भर पापड़ का एंजॉय किया जाता है। लेकिन आज बहुत ही इंस्टेंट बनने वाले ये पापड़ लाई हूँ, जो कि चावल के आटे से ही बनाए जा सकते हैं। इसमें कुछ खास ट्रिक्स हैं, उन्हें यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो बने बनाए पापड़ जब हम सूखने के लिए डालते हैं तो वो फट जाते हैं। तो आखिर ये पापड़ में क्रैक्स आते क्यों हैं, किस गलती की वजह से आते हैं, आज सारे सीक्रेट आज आपके साथ शेयर करूंगी। इसे बनाइए, पूरे साल भर इसका एंजॉय कीजिए। और ये काले पापड़ जो दिख रहे हैं, ये रागी के पापड़ हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको आखिर में शेयर करूंगी। तो चलिए इस पापड़ को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक कप चावल का आटा। ये मैंने छान कर एक कप नाप लिया है और मैंने इसके साथ जो कुछ और चीजें ली है वो मैं धीरे धीरे आपको बताती रहूंगी। एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, उसमें एक कप चावल डालकर उसमें पहले एक कप पानी डालेंगे, उसे मिक्स करेंगे, फिर हम दूसरा कप डालेंगे, फिर तीसरा कप पानी डालेंगे। ऐसे तीन कप करीब पानी डालकर उसे पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। अब चौथा कप जो पानी है, वो चौथा कप पानी एक मोटे तले के बर्तन में रखेंगे। यस, मोटे तले का बर्तन लीजिए, क्योंकि इसे अच्छे से हमें पकाना होता है। अब इसमें हमें डालना है, एक छोटा सा टुकड़ा हमें डालना है फिटकरी का। फिटकरी का टुकड़ा डालने से पापड़ बहुत ही अच्छे बनते हैं, लाइट वाइट कलर के बनते हैं। तो अगर है आपके पास तो छोटा सा टुकड़ा जरूर डाल दें और इसे आप घोल लें पूरा। जब ये घुल जाए फिटकरी, तब हम इस उबलते हुए पानी में गैस को बिल्कुल सिम करके हम इसमें धीरे धीरे उस मिश्रण को डाल देंगे जो कि हमने घोल के रखा है चावल के आटे का। अब इसे एक हाथ से आपको चलाते जाना है और धीरे धीरे उसे पकाते रहना है। अब आपको इसमें डालना है स्वाद अनुसार नमक। पापड़ में आप नमक बहुत ज्यादा न डालें, आधा चम्मच या पौना चम्मच डालें बस, इससे ज्यादा न डालें। थोड़ा चलाने के बाद इसमें एक चम्मच हम डाल देते हैं जीरा, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। अगर आपके पास पापड़ खार है तो आप आधा चम्मच पापड़ खार डाल दीजिए, अगर आपके पास मीठा सोडा है तो 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल दिए। मीठा सोडा को बहुत ज्यादा ना डालें, क्योंकि ये कभी कभी ज्यादा डालने की वजह से पापड़ लाल कर देती है। अब बारी आती है इसे पकाने की। यही हमसे गलती हो जाती है, हम सोचते हैं पापड़ के आटे को पका तो लिया। बिल्कुल नहीं, आप इसे पहले सारी चीजें पकाने के बाद 10 मिनट कम से कम ढककर भी पकाएं, ढककर पकाएं, बीच बीच में दो दो मिनट में इसे चलाते रहें। स्लो गैस पर ये सारा प्रोसीजर होगा, आपको बिल्कुल भी गैस को फुल नहीं करना है और कम से कम आपको ढककर 10 मिनट पकाना है। 3-4 बार आप बीच में उसे चला सकते हैं। और उसके बाद जब आप चेक करेंगे तो आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा ये मिश्रण लगेगा। अगर आपको नहीं लगता है वो मिश्रण ट्रांसपेरेंट, तो फिर से आपको 5-7 मिनट इसे फिर से पकाना है। कुल मिला के इस मिश्रण को इतना बढ़िया पकाना है कि ये बिल्कुल भी हमें सुखाते टाइम ये फटे नहीं। यहाँ पर ही हमारी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से न फटे फटे से बनते हैं। जब ये पूरी तरीके से अच्छे से पक जाए, आपको लगे कि हाँ अब ये परफेक्ट बन चुका है, करीब 25-20 मिनट लग जाए पूरा टाइम पकने में, उसके बाद गैस बंद कर दें और उसे आप धीरे से किसी थाली में निकाल लें और इसे थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करें। जैसे ही ये थोड़ा ठंडा हो जाए, पूरा ठंडा नहीं करना, जैसे थोड़ा ठंडा हो जाए हाथों में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएं और इसे बनाना शुरू कर दें। अब बारी आती है इसे कहाँ बनाया जाए। आपको धूप में जाकर बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं है, आप छाया में ही कहीं ले लीजिए, पंखा भी मत चलाइए। कभी कभी पंखा चलाने की वजह से भी पापड़ फट जाते हैं, तो एकदम से प्रेशर से आप जोर से, कई लोग पंखा चला लेते हैं ना, उससे भी दरारें आ जाती हैं। तो पंखा भी मत चलाइए और धूप में भी मत रखिए। छाया में एक पन्नी रख दीजिए, पन्नी के ऊपर एक एक लोई लीजिए और लोई लेकर आप इस तरीके से रखिए, ऊपर से एक दूसरी पन्नी रखिए और थाली से दबा दीजिए या फिर बेलन से बेल लीजिए, च्वाइस आपकी है। बहुत बढ़िया तरीके से पापड़ इस तरीके से आप बिछा दीजिए। अब बारी आती है इन्हें, जब तक कि ये अच्छे से सेट ना हो जाए, ऊपर से थोड़े ड्राई ना हो जाए, आप पलटने की कोशिश ना करें। जब आपको लगे कि साइड से थोड़े ड्राई हो गए, तभी आप धीरे से उसे पलटने की कोशिश करें। वो शॉट मैं नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि फिर ये मैंने रात को पलटे थे और उसके बाद फिर सेकेंड डे मैंने इनको उठाकर
और थोड़ी देर ना परात में डालकर पूरे पलट जाते हैं ना, तब इसमें कोई रिस्क नहीं होती। फिर एक परात में डालकर आप एक दिन की धूप भी दिखा सकते हो। उससे होता ये है ना कि हमें धूप में जलने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बिल्कुल पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि धूप में जाके मैं पापड़ बनाऊं। तो आप छाया में बनाइए, बाद में भले ही एक दिन की धूप दिखा दीजिए, क्योंकि हमें साल भर रखना होता है। और अगर आपके यहाँ नीचे ही कहीं धूप आती है तो थोड़ी देर धूप में उसे भी रख सकते हो। इस तरीके से शुद्ध पापड़ बनकर घर में तैयार हो जाते हैं। इसमें आरा रोड मैदा बिल्कुल नहीं मिला हुआ होता। मार्केट के पापड़ की शुद्धता का पता नहीं होता है। इससे घर में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से इसमें मसाले डाल सकते हैं। अगर आपको मन करे तो इसमें हरा धनिया डाल सकते हो, आप करी लीव्स डाल सकते हो, हरी मिर्च डाल सकते हो, अजवाइन डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, च्वाइस आपकी है। सूजी के पापड़ कैसे बनाए जाते हैं, साबूदाने के पापड़ कैसे बनाए जाते हैं, कई वैरायटी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आलू के पापड़, वो सारी लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप उसे बनाइए। एक और बात, अब मैं आपको तल के तो दिखा ही रही हूँ, आपको लगेगा पूरे वीडियो में आपने रागी का पापड़ तो दिखाया ही नहीं। वो इसलिए नहीं दिखाया कि लास्ट ईयर आपको बनाकर दिखाया था, लेकिन शायद आपको ये लगा ये काले पापड़ स्वाद तो होंगे नहीं, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं, एक बार जरूर ट्राई कीजिए, उसकी लिंक मैं दे दूंगी। उसकी तरह भी सेम वैसे ही चावल के पापड़ भी बनाए जा सकते हैं, उसे हमें बेलना पड़ता है। बहुत अच्छा तरीका है और ये साल भर, मतलब जो ग्लूटेन फ्री खाना पसंद करते हैं और उनको इतना बढ़िया स्नैक्स घर में खाने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो एक बार आप जरूर ट्राई करेंगे, एक बार जब बनाकर आप खाकर चखेंगे उसके बाद लगेगा कि हाँ, रागी के पापड़ तो हमें जरूर बनाने चाहिए। तो इस तरीके से रागी मतलब नाचनी, आपके यहाँ उसे क्या कहा जाता है। मोटा अनाज हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट होता है, तो मोटे अनाज को हम किसी भी तरीके से खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। तो इस तरीके से सारे पापड़ सूख चुके हैं, अब चलते हैं ना फ्राई करने के लिए। पहले गलती की थी, कम पकाया था और इस तरीके से क्रैक्स आ गए पापड़ में, तो वो सूख तो गए, उनका स्वाद भी बहुत अच्छा है, फूलेंगे भी बहुत बराबर, लेकिन अच्छे नहीं लगते ना टूटे हुए। तो इस तरीके से आप इस टूटे हुए पापड़ को पहले तल के दिखा रही हूँ और उसके बाद फिर आपको दूसरे भी दिखाऊंगी। ये देखिए, टूटे हुए पापड़ भी बढ़िया फूल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खस्ता है, करारे हैं, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल इतने खस्ता बनते हैं कि हाल तोड़ सकते हो आप इसको। तो ये ना पापड़ बन तो जाते हैं लेकिन टूटे हुए अच्छे नहीं लगते। अब ये देखिए, साबुत पापड़ है और ये है रागी के पापड़। तो रागी के पापड़ भी मैं इस साल फिर से बना रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर वाले खत्म हो गए थे, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं जो लास्ट ईयर मैंने बनाए और इस साल भी मैं बनाने पड़ रहे हैं मुझे। उसका कितना बढ़िया टेक्सचर बनता है, बहुत ही स्वाद बनते हैं ये रागी के पापड़। तो आप यदि बनाना चाहें तो उसे देखकर बना सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने चावल के पापड़ बनाए हैं, चावल के आटे से बनाए हैं, वो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली को। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।